श्रीलंका के खिलाफ तीसरा T20 मुकाबला में आया सूर्यकुमार यादव का तूफान। तो दोस्तों, सूर्या ने पहले 16 गेंदों में चौके छक्के की मदद से कूट डाले 86 रन और सबसे तेज T20 में 112 रन की नाबाद पारी खेलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों, आप भी देखना चाहते हो सूर्या के बल्लेबाजी का वीडियो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जहां पर भारतीय टीम ने पहला T20 मुकाबला 2 रन से जीता था, तो वहीं दूसरे T20 मुकाबला में 16 रन से हार की सामना करना पड़ा। उसके बाद तीसरा T20 में हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का 3 रन पर पहला विकेट गिरा ईशान किशन के रूप में। उसके बाद राहुल त्रिपाठी 16 गेंदों में ताबड़तोड़ 35 रन कूट दिए, मगर फिर कैच आउट हो गए। उसके बाद मैदान पर आया सूर्या का तूफान और साथ में सुमन गिल थे, लेकिन सुमन गिल धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों पर 46 रन ही बना पाए। और वहीं सूर्यकुमार यादव ने 51 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके और 9 छक्के की मदद से 112 रन की तूफानी पारी खेलकर अपना शतक पूरा किया और ये T20 में सूर्या का तीसरा शतक था। दोस्तों, सूर्यकुमार यादव ने 16 गेंदों में चौके छक्के की मदद से कूट डाले 86 रन, जिसके दम पर टीम इंडिया ने बनाए 228 रन, जिसका जवाब में श्रीलंका टीम ने 137 रन पर ऑल आउट हो गए सिर्फ 16.4 ओवर में। और इसी के साथ टीम इंडिया ने ये मुकाबला जीतकर इस सीरीज पर भारतीय टीम ने कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, सूर्या के बारे में आप क्या करना चाहते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।